पेश है आपके सामने राशिदा परवीन, जो टाटा इंस्टीट्यूट की स्टूडेंट है, आज की नौजवान नस्ल की एक मिसाल राशिदा परवीन। जोरदार तालियां। बहुत बहुत नमस्कार आप सब औरतों को, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। इतनी ज्यादा खुशी हो रही है आप सबको यहाँ पर देख के कि मैं जाहिर नहीं कर सकती। मुझे पता था कि बंबई की सारी तमाम औरतें, जैसे शाहीन बाग की औरतें बाहर आई हैं, वैसे ही बाहर आएंगी और खड़ी होंगी इस तानाशाह सरकार के खिलाफ। और आज देखिए वही हो रहा है। ये जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं जिनमें पूंजीवादी लोग बैठे हैं, वो हम गरीबों की आवाज सुन लें कि बदलाव आ रहा है और बदलाव आकर रहेगा, इंकलाब आकर रहेगा। तो मैंने सुना है कि जो हमारे हुक्मरान हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, हमारे प्रधान सेवक हैं, वो ये कहते हैं कि ये चंद वामपंथी लोग ही तो हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो ये खलबली मचा रहे हैं। मैं उनको ये बता देना चाहती हूँ, ये कुछ वामपंथी बच्चे नहीं, ये तमाम हिंदुस्तान की आवाम है, ये तमाम हिंदुस्तान की औरतों की आवाज है। हम आईएएस ऑफिसर्स हैं, हम जर्नलिस्ट हैं, हम स्टूडेंट्स हैं, हम पीएचडी स्कॉलर्स हैं, हम मास्टर्स स्टूडेंट्स हैं, हम स्कूल के बच्चे हैं, हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बुद्ध हैं, पारसी हैं, हम भारतीय हैं। और आप हमारे प्रधान सेवक हैं, आप हमारी सेवा करिए, हमारी आवाज सुनिए। हमें जवाब चाहिए कि ये डिस्क्रिमिनेशन, ये भेदभाव क्यों हो रहा है हमारे भारत में, जहां सेक्युलरिज्म सबसे बड़ी चीज मानी जाती है, उस भारतवर्ष में ये भेदभाव क्यों? हमारे देश की जहां मिसालें दी जाती हैं बाहर, उस भारतवर्ष में ये भेदभाव क्यों? हम तो कहते थे हमारे झंडे में तीन रंग हैं और ये तीन रंग मिलके भारत बनाते हैं, तो इन रंगों के बीच में ये लाइन कब से खिंच गई? बहुत कुछ है जो मैं यहाँ कहना चाहती हूँ, पर आप लोगों को देख के मैं इतनी खुशी महसूस कर रही हूँ कि समझ नहीं आ रहा क्या क्या बोलूं। हम जब बंबई में प्रोटेस्ट करने बैठे, हमने सोचा था कि बहुत लोग आएंगे, बहुत लोग आएंगे, लेकिन इतने लोग आएंगे कभी नहीं सोचा था। तो बहुत बहुत मुबारकबाद इस देश को, सावित्रीबाई फूले के इस मुंबई को, इस महाराष्ट्र को, मेरा लाल सलाम। मेरे दोस्त ने कविता लिखी थी, आमीन अमितोज उनका नाम है, जिसका नाम इनकलाब है। उस कविता की चंद लाइनें कहकर मैं रुक सकती हूं। तो कविता कुछ ऐसे है कि इनकलाब जी न्यूज पर नहीं आएगा मेरे दोस्त, इनकलाब रिपब्लिक टीवी पर भी नहीं आएगा, इनकलाब कलर्स और स्टार प्लस पर भी नहीं आएगा मेरे दोस्त। इंसान को इंसान का दर्जा मिलेगा, जालिम का सिंहासन कौड़ियों में बिकेगा। लोग सड़कों पर होंगे, आवाज उठाएंगे, सवाल करेंगे, यही एक कारण होगा मेरे दोस्त, इनकलाब का सीधा प्रसारण होगा, इनकलाब का सीधा प्रसारण होगा। और वो प्रसारण यहाँ हो रहा है, दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।